हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सर्विस नर्सिंग एकेडमी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नॉर्थसाइड के बारे में। देखिए, सभी कुछ बातें करेंगे। 2020 का जो पेंडिंग केस अभी चल रहा है, 2021 में जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है कितनी तारीख को है और कितनी तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। ओके, अभी तो फिलहाल 2020 का पेंडिंग है। आपकी जो ज्वाइनिंग अलॉटमेंट चल रही है तो वो कौन कौन से एम्स की हुई, और अभी पिछले महीने में देखिए आप सभी जानते हो ऋषिकेश, पटना, तेलंगाना, भुवनेश्वर, नागपुर और बिलासपुर के हुए हैं। आई थिंक अभी कुछ दिन पहले ही 80-20 केस के बारे में बात करेंगे। 80-20 का जो अभी आपका केस चल रहा है उस पर हाई कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा, एम्स जो किस जो है उसकी बात कर रहा है आर्टिकल्स की, सभी कुछ इसमें बात करेंगे। किस किस का केस चल रहा है तो वीडियो को पूरी देखें। काफ़ी लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। ओके, तो हॉस्पिटल की ड्यूटी मुझे करनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ वीडियोज़ बनानी पड़ती है आप सभी के लिए, और स्टडी भी मुझे रेगुलर करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, एम्स की जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मोटिव ये भी है मेरा बनाने का कि आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके कुछ पर्सनल डिस्कशन हो अबाउट एम्स या फिर ज्वाइनिंग अलॉटमेंट लेटर, या आपकी ज्वाइनिंग में कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। या फिर आप इसी के साथ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो देखिए बात करेंगे 22 मार्च को जो सुनवाई थी आपकी, हाँ, एम्स नॉर्थसाइड की। तो देखिए कौन से केस में थी वो आप सभी जानते हो, 22 मार्च को हरीश काजला जी के याचिका पर सुनवाई थी। और मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट आपकी जो हियरिंग है, नेक्स्ट आपकी जो सुनवाई है वो कब है, तो आपकी नेक्स्ट हियरिंग देखिए 22 अप्रैल को है। अब देखिए 22 मार्च को आपको क्या क्या हुआ और क्या जानकारी मुझे मिली, आउटसोर्सेज जानकारी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑफिशियली अभी रिलीज़ नहीं की गई है, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, काफ़ी जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर एम्स नॉर्थसाइड पे वीडियो बनाइए, और ताकि हमें भी मौका मिले आपको प्रॉब्लम बताने का कमेंट बॉक्स में। तो देखिए बता दीजिएगा आप जो भी कमेंट प्रॉब्लम हो आपकी। और देखिए 22 मार्च को जो हरीश काजला की सुनवाई हुई थी उसमें यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि जी हमने कुछ आर्टिकल्स है, वैसे कि आप सभी जानते हो अपने इंडिया में 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी फीमेल्स को नहीं दिया जा सकता किसी भी वैकेंसी में। ओके, यानी 33 रिजर्वेशन परसेंटेज किसी भी वैकेंसी में नहीं दिया जा सकता फीमेल्स को। तो अकॉर्डिंग टू इस रूल्स मजबूत पक्ष जो है अपना लग रहा है, और आई थिंक उम्मीद तो यही लग रही है कि यह 80-20 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और हरीश काजला जी, इसके अलावा बात करेंगे जोधाराम भाई अपने जाट जो, वो भी जो है बड़ी मजबूती से केस को लड़ रहे हैं। हरीश काजला जी की सुनवाई तो हो चुकी है 22 मार्च की, दोनों की प्रोसेसेस अलग है, मुद्दा एक ही है 80-20, ठीक है। ज्वाइनिंग अलॉटमेंट लेटर तो लगातार जारी कर रही है एम्स, और उनमें एक चीज़ साफ भी लिखी हुई है कि जो ये चीज़ें है ज्वाइनिंग अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो ये सभी जो है हाई कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, नॉट एम्स। ओके, नॉट एम्स, इसमें एम्स का कोई रोल नहीं है। जो भी हाई कोर्ट कहेगा इफ़ 80-20 हट जाता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ सकते हैं एम्स को, तो सभी कुछ हाई कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अभी रनिंग में है आपका केस, और 19 सितंबर 2021 को जो आपका नया नॉर्थसाइड आ रहा है, तो सर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अभी जो इस साल 2021 में जो है न्यू ये वैकेंसी आएगी नर्सिंग ऑफिसर की नॉर्थसाइड एम्स की, या फिर नहीं आएगी, तो देखिए दोस्तों डेट तो आ गई है, आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें डेट तो बता रहा है, वैसे साइट पे मैंने आसपास का थोड़ा ब्लर कर दिया है वाइट से, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि नर्सिंग ऑफिसर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 सितंबर 2021, देखिए डे भी दिया गया है इसमें आपको, संडे रविवार, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 19 सितंबर 2021 को वेडने के लिए। तो अब मेन दिक्कत ये है कि अभी तो ये केस चल रहा है 80-20 का, और देखिए सितंबर में जो है नया रिजल्ट, सॉरी नई वैकेंसी आ रही है 2021 की, तो सर इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए असर कुछ नहीं पड़ने वाला, और देखिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है आउटसोर्स से जो मुझे जानकारी मिली है, लग तो यही रहा है कि आई थिंक अप्रैल या फिर मई तक आपका जो है सॉल्यूशन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है कि ये केस आई थिंक हो जाए पूरा और अपन की जीत हो जाए। अब डिपेंड ये करता है कि जीत किस तरह होगी, तो पॉजिटिविटी तो देखिए सभी नर्सिंग स्टूडेंट को रखनी है। मैं हूँ नर्सिंग फील्ड से, आप भी नर्सिंग फील्ड से हो, GNM हो, चाहे ANM हो या फिर BSc नर्सिंग हो, सभी को पॉजिटिविटी रखनी है, सभी को फुल सपोर्ट करना है जो अपने लिए केस लड़ रहे हैं,
वो कुछ करने के लिए बोलते हैं, ट्वीट ट्वीट कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, वो जैसा कहते हैं उनकी हेल्प कीजिए आप, तब जाके जो है हम अपन 80-20 जीत पाएंगे। 80-20 के लिए जो है हमें पूरी पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। एक्चुअली लग गया ना 80-20 तो एक तरह से ज़िंदगी बर्बाद है। देखिए नर्सिंग स्टूडेंट की, मेल कैंडिडेट की, बॉयज़ की तो ज़िंदगी बर्बाद है, ध्यान रखना। CHO है अभी एक उम्मीद, ESIC की वैकेंसी है, तो उसमें भी अगर इसमें लग गया तो फिर किसमें नहीं लगेगा, आप ये सभी देख सकते हो। अगर 80-20 जो है एम्स में लग जाएगा तो अभी तो काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, आप सभी को पता ही होगा। अभी उत्तराखंड की भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 80-20 लग कर आया था, AMB में भी काफ़ी सारी अभी से ही स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो आ रही है उनमें 80-20 लग रहा है, तो किसमें नहीं लगेगा है? भाई एक चीज़ को देख कर दूसरी चीज़ होती है, और भीड़ चाल चलने की काफ़ी ज़्यादा आ जाती है लोगों की, ठीक है ना। तो एक चीज़ में अगर 80-20 लगता है तो दूसरी चीज़ में भी 80-20 लगना ईजिली है, और क्या पता आगे जाके CHO में लग जाए, ठीक है। जो आपकी CHO होती है काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, उसमें लग जाए आपका, स्टाफ नर्स में लग जाए, तो कुछ नहीं कहना, पॉजिटिव रखना है। कुछ आर्टिकल्स जो है फॉलो किए जा रहे हैं एम्स की तरफ से, क्योंकि एम्स को पता है कि 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी वैकेंसी में हम फीमेल को नहीं दे सकते, ओके, कोई भी नहीं दे सकता, हम क्या गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती 33% रिजर्वेशन से ज़्यादा। बट एम्स क्या कह रहा है कि ठीक है, माना कि आपकी बात 33% से, एम्स ने हाईकोर्ट से कहा कि एम्स के वकीलों ने हाईकोर्ट के वकीलों से कहा कि 33% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते, माना कि ठीक है ये बात सही, बट चीज़ें क्या हो रही है कि सर जो पेशेंट होता है उसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम ये जो है लागू कर रहे हैं 80-20, क्योंकि 80% जब फीमेल्स इसमें एडमिशन लेगी, 20% जो बॉयज़ रहेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा एम्स में, तो 20% का क्रियाविधि उनकी प्रोसेस क्या रहेगी, उनको तो देखिए मैनेजमेंट के लिए एक तरह से ये शेड्यूल बना देंगे। और जो 18% जो महिलाएं रहेगी, 80% जो फीमेल्स रहेगी जिनका सिलेक्शन होगा एम्स नॉर्थ में, तो उसको जो है वो उनके अंडर में काम करना, मतलब आप सभी समझ सकते हो, बॉयज़ को तो एक तरह से सुपरिटेंडेंट के रूप में, और इसके अलावा फिर आप सभी जानते हो अभी कुछ न्यूज़ आई थी अखबारों में कि सर ऐसा हो गया गर्ल्स के साथ में, या फिर गर्ल्स स्टाफ के साथ में ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक मुद्दा तो ये उन्होंने पेश किया, दूसरा मुद्दा ये है कि कंफर्ट फील होता है, हाँ किसको, रोगी को, ओके पेशेंट को, तो एक कंफर्टेबल का इन्होंने आर्टिकल लगा दिया है, एक हाँ एक तरह से इन्होंने जो है इशू बता दिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि सर जब भी हम दवाई या मेडिसिन लगाने जाते हैं पेशेंट को, तो जो है पेशेंट को जब उनके सामने कोई गर्ल जाती है, कोई लड़की जाती है, तो उनको जो है कम्फर्टेबल फील होता है, इससे उसकी तबीयत में तेज़ी से सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ओके, जो वाइटलिंग होती है उनकी, मॉनिटरिंग जो वाइटलिंग करते हैं वो सभी चीज़ें, तो ये सभी जो है इशूज़, ये सभी जो है आर्टिकल फॉलो किए जा रहे हैं एम्स की तरफ से। और आई थिंक देखा जाए तो सिंपल सी बात है यार, जब कोई, मैं देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से आप माइंड सेट सोच सकते हो कि थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन ये जो गलत बात है अपने बॉयज़ के साथ में, और संविधान अपना जो आर्टिकल है, संविधान है उसके अकॉर्डिंग 80-20 गलत है, 50-50% हो जाए ओके है, लेकिन 33% से ज़्यादा भी तो नहीं दे सकते ना, तो आप उसको भी तो देखिए ना यार। तो ये सभी चीज़ें होती है, देखिए मैं बता रहा हूँ अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, कोई आपको इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ज्वाइनिंग अलॉटमेंट की बात करेंगे, देखिए ऋषिकेश एम्स पटना के हो चुके हैं ओके, और तेलंगाना भुवनेश्वर के अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही हुए हैं, नागपुर के तो अभी आई थिंक 7-8 दिन पहले जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, बिलासपुर के भी आपके कर दिए गए हैं, और आई थिंक मैं इन पर वीडियो नहीं बना पाया, बट मैंने इनके PDF मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए थे, आप सभी ज्वाइन कीजिए तो आपको सभी चीज़ें मिलेगी, सभी आपको संसाधन प्राप्त होंगे अबाउट नर्सिंग, अबाउट मेडिकल लाइन्स। तो ये थी एम्स की जानकारी, में 22 मार्च को सुनवाई हो चुकी है, नेक्स्ट आपकी हायरिंग 22 अप्रैल को है, दो जने बड़ी मजबूती से केस लड़ रहे हैं, हरीश काजला जी और अपने जोधाराम भाई, ठीक है ना, भरत दिनवाल जी भी काफ़ी इसमें, अपने उपेन यादव जी, तो ये कुछ लोग हैं जो काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं। देखिए आपको ट्वीट करने के लिए कहा जाता है, आप ट्वीट नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा ना यार। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है उसमें, जिन्होंने स्टाफ नर्स में ले लिया है, या फिर कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, तो सभी को मिलजुल के जो है आगे बढ़ना है इस चीज़ के ऊपर, तो आई थिंक अपन को सोल्यूशन इससे मिलने की काफ़ी उम्मीद रहेगी। केस थोड़ा मजबूत होगा तो दबाव प्रेशर बढ़ेगा हाईकोर्ट और गवर्नमेंट पर, तो आई थिंक 80-20 ये रिमूव हो जाए, चांसेस है लग रहे हैं रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सपोर्ट करना चाहिए आपको, और करिए भी जरूर। ट्विटर अपना जो है अकाउंट बनाइए, क्रिएट कीजिए, और जब भी आपसे ट्वीट करने की बोला जाए आप ट्वीट कीजिए, ट्रेंडिंग में लाइए अपने टॉपिक को, चीज़ें ट्रेंडिंग में आएगी तो बाकी लोगों का ध्यान भी जो है इस इन टॉपिकों पर जाएगा, आपके जो 80-20 का टॉपिक है, अपना जो 80-20 का टॉपिक है, जब ये चीज़ें ट्रेंडिंग में आएगी, ट्विटर पर आएगी, तो इस पर जो है अदर लोगों का भी जो है ध्यान जाएगा, तो फिर वो भी अपनों को सपोर्ट करेंगे,
अपनी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, 22 मार्च को सुनवाई हो गई, 22 अप्रैल को आपके नेक्स्ट शुरू होएंगे। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम कब है? 29 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तैयारी फुल रखे, तैयारी करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी वैकेंसी आएगी SIC की, नॉर्थ स्ट एम्स की, CHO की, स्टाफ नर्स की, DSSB की, रेलवे की, भरी है, तैयारी कीजिए। और कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई सर, हमें कौन सी बुक अच्छी लगे, कौन सी बुक हम पढ़ाए, CHO अकॉर्डिंग, एम्स नॉर्थस्ट अकॉर्डिंग, SIC अकॉर्डिंग, या फिर किस तरह से तैयारी करें, तो उसकी भी मैं जो है आपको जानकारी दे दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों वीडियो, ज्वाइनिंग अलॉटमेंट के ऊपर मैं वीडियो आई थिंक बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे ही कोई नए एम्स की आई थिंक धीरे धीरे पूरे जो है आपके एम्स की जो है ज्वाइनिंग अलॉटमेंट आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे जल्दी ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिविटी रखो यार, पॉजिटिविटी रखने में ही काफ़ी फायदेमंद है। मिलते हैं नए स्टूडियो में। 2020 पेंडिंग के बारे में बता दी मैंने, केस चल रहा है 22 मार्च पर सुनवाई है, 2021 के बारे में बता दी, ज्वाइनिंग अलॉटमेंट के बारे में बता दी, एडेड नोटिस के बारे में जो भी सब कुछ हुआ क्या उन्होंने बताया सभी कुछ इसके मैंने बता दी। तो ये थी जानकारी, मिलते हैं नए स्टूडियो में, चलते कल, बाय, गुड नाइट।